असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, असम राइफल के नए रिक्रूटमेंट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। देश भर में कोरोना के केसेस कम होते ही साथ ही अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होते ही अब देश भर में नए रिक्रूटमेंट आना शुरू हो चुके, जो कि कोविड के चलते जिन्हें लगातार आगे पोस्टपोन किया जा रहा था वो सभी रिक्रूटमेंट अब शुरू होने जा रहे। ऐसे में बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाओं की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई, नए नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है, साथ ही फिजिकल प्रक्रियाएं और मेडिकल प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में असम राइफल में यहां पर ट्रेड्समैन, हवलदार और क्लर्क के रिक्रूटमेंट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर कितनी टोटल जो आपकी वैकेंसी होगी, साथ ही दोस्तों अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से पदों पर यह रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट हो तो तीनों आप क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाले। दोस्तों, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाली असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021 राइफलमैन एंड हवलदार पोस्ट बिल्कुल ऑफलाइन अप्लाई के आधार पर होगा, क्योंकि असम राइफल के जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं कांस्टेबल लेवल के वो एसएस जीडी कांस्टेबल के थ्रू होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपकी जो पोस्ट होती है जैसे ट्रेड्समैन आपका, वाटर कैरियर, कुक, बार्बर, स्वीपर, ड्राइवर, क्लर्क, हवलदार, वारंट ऑफिसर, उसके साथ ही आईटीआई वालों की जो वैकेंसीज है, ये सारी वैकेंसीज जो डिपार्टमेंट की तरफ से करवाई जाती है असम राइफल की तरफ से। और ये रिक्रूटमेंट कोविड के चलते लगातार पोस्टपोन किया जा रहा था, क्योंकि इसकी रैली भर्ती होती है और कोविड के चलते रैली भर्ती कराई जाना नामुमकिन थी, लेकिन अब देश भर में कोरोना के केसेस कम होते ही देश भर में सेना रैली भर्तियों की भी डेटें आ चुकी है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम भी शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में असम राइफल रिक्रूटमेंट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है। दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, करंट अफेयर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली क्विज, साथ ही 500 टॉप क्वेश्चनों की फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ऐप डाउनलोड करके आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं, साथ ही काफी किसी भी एग्जाम को, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर असम राइफल रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पदों पर यह रिक्रूटमेंट करवाया जाता है। तो यहां पर जीडी कांस्टेबल होगा, जीडी कांस्टेबल होगा वो होगा आपका ट्रेड्समैन, जिसमें वाटर कैरियर होगा, वॉशरमैन होगा, कुक होगा, बार्बर होगा, अटेंडेंट होगा, प्लम्बर होगा, हवलदार, कलर की ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। गृह मंत्रालय के अंडर में ये रिक्रूटमेंट होता है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेटों के लिए भर्ती प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पदों पर आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो देख लीजिएगा आप, राइफलमैन जनरल ड्यूटी, हवलदार क्लर्क, वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सिग्नल, उसके साथ ही लाइनमैन, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, राइफलमैन आर्मर, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, व्हीकल, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन, राइफलमैन प्लम्बर, वारंट ऑफिसर फार्मेस्ट, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट, राइफलमैन फीमेल अटेंडेंट, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन इक्विपमेंट, बूट रिपेयर, उसके साथ ही राइफलमैन स्वीपर और राइफलमैन वॉशरमैन की वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, यहां पर आप अलग अलग देख लीजिएगा, राइफलमैन जीडी की जो वैकेंसी होगी वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के लिए होगी, हवलदार कलर की वैकेंसी भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के लिए होगी, जबकि वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी आपके मेल और वुमेन, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के लिए होगी। पूरी डिटेल आप यहां पर देख लीजिएगा, पूरी आपको मिल जाएगी, साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग आपकी एज क्राइटेरिया रहेगी, लेकिन कांस्टेबल के जितने भी रिक्रूटमेंट आपके होने जा रहे हैं उसमें आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 साल से लेकर 23 साल रहेगी, और ये रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए 26 साल तक के लिए कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार कलर के लिए आपको आयु में छूट अलग से दी जाती है। वही एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उन सभी को 28 साल तक फॉर्म भरने के लिए यहां पर उनको अनुमति दी जाती है।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आपका जो फॉर्म होगा दोस्तों ऑफलाइन मोड के आधार पर होगा। तो यहाँ पर रिसेंटली जो मैन डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि जो फॉर्म सही से भरते हैं और जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो साथ में इन्वॉल्व के साथ में यहाँ पर लगाते हैं, तो उनका एडमिट कार्ड आने के ज़्यादातर चांसेज बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट है जिसकी लिस्ट है, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल से बता दें। उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार, जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया जोन से जो भी मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और उनकी अगर हाइट 160 सेंटीमीटर भी है तो भी वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग से यहाँ पर छूट दी जाती है। उसके अलावा फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल जो भी कैंडिडेट है और ऑल कैंडिडेट फीमेल है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि नॉर्थ इंडिया जोन से जो कैंडिडेट बिलोंग करती है, फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करती है, उन सभी के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर है तो भी वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन जो भी वैकेंसी आती है उसकी पूरी जानकारी साथ ही आपको फॉर्म भी वहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके रनिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों जो असम राइफल का जो रिक्रूटमेंट करवाया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सबसे पहले रैली भर्ती होती है, मतलब सबसे पहले फिजिकल करवाया जाता है, और फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल होता है उसमें 5 किलोमीटर की आपकी रेस करवाई जाती है, जिसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाता है। जबकि फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, और फीमेल कैंडिडेट को जो समय दिया जाता है रनिंग के लिए वो 4 मिनट का समय यहाँ पर दिया रहता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट था वो जून में आने के चांसेस थे, लेकिन दोस्तों अभी फिर से आपकी देरी हो सकती है, क्योंकि SSGD कॉन्स्टेबल का मैंने आपको पहले ही बताया था, SSGD कॉन्स्टेबल का अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया है, और SSGD का जैसे रिक्रूटमेंट आएगा उसके बाद में इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, और इसकी जो रिक्रूटमेंट रैली की डेट दे रखी है असम राइफल की तरफ से वो अगस्त में दे रखी है, टेंटेटिवली डेट है, जो कि अगस्त में रैली भर्ती करने की बात कही गई है असम राइफल की तरफ से। तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में इन डॉक्यूमेंटों की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट तो आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो DOB होगी वो 10th की मार्कशीट में मिलने वाली है, तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12th पास, उसके साथ ही वारंट ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो वो मार्कशीट आपको साथ में लगा कर लेते हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट है, बिल्कुल दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा, SC ST और OBC के जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो फिजिकली हैंडीकैप है, जो कि अलग से जिनके लिए अलग से वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी ऐसे यहां पर दी गई है उनके लिए उनकी कैटेगरी का होना चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस रिक्रूटमेंट की डेट जल्दी आ सकती है, क्योंकि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस सभी भर्तियों का शुरू होने जा रहा है, और रिक्रूटमेंट की बात करें तो लंबा समय हो चुका, लगभग बात करें तो 3000 के लगभग पदों का ये रिक्रूटमेंट आने के चांसेज है। ऑल ओवर इंडिया जो भी आपकी वैकेंसी रहेगी वो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ भी आपको इस असम राइफल के रिक्रूटमेंट में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप पूरी डिटेल आप विस्तार से देखना चाहते हैं, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाले असम राइफल रिक्रूटमेंट के बारे में हर प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।